उत्तराखंड के डोईवाला में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें, डोईवाला क्षेत्र में देर रात जमकर हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो डोईवाला क्षेत्र में ओलावृष्टि का यह नजारा उन्होंने पहली बार देखा है, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। और इस ओलावृष्टि से आम व लीची के साथ गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सभासद ईश्वर रौथागढ़ ने कहा कि बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि से किसान पूरी तरह मायूस हैं, क्योंकि किसान एक साल तक अपनी फसल पर मेहनत कर उसे बेचने का इंतजार करता है, पर जब ये उनकी फसल ही तबाह हो जाए तो किसान को आर्थिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मैं भी 40-50 साल का हो चुका हूँ और पहली बार मैंने इतनी ओलावृष्टि देखी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इतनी ओलावृष्टि से हमारे किसान भाइयों का भी बहुत नुकसान है। आपके पीछे ये बगीचा है, बगीचे में इनके सारे फल जो अभी आ रहे थे वो सब गिर गए, तो इन भाइयों का, किसान भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह से सरकारी अगर इनको कोई मदद मिल सके तो वो देने की। हमारे जीवन काल में इस जगह पे ये पहली बार हुआ है। पहाड़ों में तो होता रहता है, परंतु ये जगह भानियावाला, डोईवाला, जौली ग्रांड में ये पहली बार हुआ है सर। और इतनी जो उसकी तीव्रता थी, विद इन 15 मिनट जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और कई लीची की, आम की सारी तबाह हो चुकी है। कुछ नहीं बचा पेड़ों में, सब तबाह हो गया है। ऐसा यहाँ नहीं देखा कभी नहीं। हल्की फुल्की ओलावृष्टि होती थी और ऐसी तीव्रता से कभी नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। भानेवाले में, जहाँ तक भानेवाले की बात है, तो इस क्षेत्र में ये लगभग ये मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जो ओलावृष्टि हुई है। छोटी होती रहती थी मौसम के अनुसार, लेकिन इस ऑफ सीजन में भी, जैसे अब जनवरी फरवरी बीत गया और मार्च के महीने में भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आम जनमानस जो है बहुत परेशान हुआ है।